देख रहे हैं इंडिया पोस्ट न्यूज। खबर है प्रयागराज जनपद से, जहां रोशन बाग में प्रोटेस्ट पर बैठी महिलाएं गांधी जी की शहादत के मौके पर रोजा रखकर मनाया यह दिन। प्रयागराज रोशन बाग मंसूर अली पार्क में CAA और NRC जैसे मुद्दों को लेकर महिलाएं विरोध प्रदर्शन बैठी हैं। बीते 12 जनवरी 2020 से और उस प्रोटेस्ट का आज 19वां दिन था। दिनांक 30 जनवरी जिसे धरने पर बैठी हुई महिलाओं ने हिंदुस्तान में अमन चैन सुकून के लिए यह दृढ़ संकल्प लिया कि गांधी जी के शहादत दिवस के मौके पर वह रोजा रखकर इसे मनाएंगी। और उन्होंने आज बड़े एहतमाम के साथ तमाम महिलाओं ने मगरिब की अजान सुनने के बाद रोजा खोला, इफ्तार किया, बाद नमाज पढ़ी, बाद लोगों ने हिंदुस्तान में अमन सुकून और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता के लिए दुआएं की और साथ ही साथ सरकार द्वारा लाए गए कानून को वापस लेने की दुआएं भी मांगी। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट, मोहम्मद रिजवान की रिपोर्ट। आप देख रहे इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। हमारी बच्चियां नमाज नहीं पढ़ती है, अल्लाह उनको नमाजी बना दीजिए, अल्लाह सबको नमाजी बना दीजिए। वक्त की जरूरत पुकार यही है कि सबको नमाजी बना दीजिए। दरअसल हमारे गुनाह बढ़ गए हैं, हम दीन से गाफिल हो गए, इसलिए आपका यह अजाब आया है। अल्लाह हम सबको नमाजी बना दीजिए, हम सबको अपने आगे झुकने वाला बना दीजिए। अल्लाह सबको, हम सबको तौबा करने वाली बना दीजिए, वाला बना दीजिए। अल्लाह फिर हम लोगों की तौबाओं को कबूल कर लीजिए। अल्लाह फिर हम लोगों की तौबाओं को कबूल कर लीजिए। अल्लाह अपने हबीब के सबसे में, अपने महबूब के सबसे में, हमारे प्यारे